आइए आइए। बस 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 बस, एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम। धीरज भाई धीरे धीरे रुकिए ना, रुकिए ना सर, रुकिए भाई, आपने बुलाया हम चले हैं। चलो सर यहाँ पे एक मिनट मोबाइल हटा दीजिए धीरज भाई, एक मिनट सेंटर लोग शाहरुख खान जैसे। एक साथ में कर लेते हैं, साथ में अरे कॉल मंदीप ऑल्सो ना। सेंटर में कैसे छूट सकते, ये टेबल सेंटर में लगा दो, टेबल आगे ले लो। अरे वो पियेंगे। अरे यहाँ पे एक बार धीरज भाई साथ में, धीरज भाई दोनों का साथ में भाई सेंटर में, तब भी मैं भी हिलाऊंगा तुझे देख ले। धीरज भाई सेंटर, सेंटर लोग वाइट वाइट जनता वाइट जनता वाइट साथ में। सर एक सोलो करते हैं सर, अरे भाई बाद में करते ना, अरे पहले जनता वाइट करते हैं। अरे जनता वाइट करते भाई, यहाँ ज्यादा लोग हैं, जनता वाइट कर लेता पहले। टेबल इधर इसका दी तेरा वाइट टेबल देख किधर गए, आएगा आएगा प्रोसीड करेगा। चलो एक बंद जनता वाइट निपटा देते हैं। जनता जनता सेंटर में लाओ, अरे जनता कर लो ना यार पहले। संजीव भाई, संजीव भाई कब से खड़े यार? हाँ संजीव भाई टेबल तो सेंटर में कर दो। मैंने अपनी जिंदगी में एज एन एक्टर ऐसा किरदार दिखाया था, पहली बार तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ एवरी सीन एवरी शॉट ऑफ, मुझे अच्छा फीडबैक मिल रहा है। जस्ट वेटिंग फॉर द ऑडियंस टू सी इट, इट इज अ काइंड ऑफ लव दे आर गिविंग टू दैट वन। I'm really happy that Dheeraj is there with me and हमारी जोड़ी पहली बार आ रही है टीवी पे, so I just hope कि लोगों को पसंद आए। सिया का किरदार मेरे लिए भी बहुत बहुत अलग होने वाला है, ऑडियंस को बहुत अलग अमनदीप दिखने वाली है, so and of course स्टोरी भी बहुत अलग होने वाली है पहले वाले सीजन से। आई थिंक सो ऑडियंस के लिए इट्स लाइक अ फुल यू नो मील, एवरी थिंग ऑन अ प्लेटर। अगर सीजन वन की बात करें तो इट वॉज एंडेड यू नो विराज बिहाइंड द बार था और साहिल के थॉट्स में मेमोरी में साहिल के था। क्या ये सोच सकते हैं कि इस बार जो आएगा जो सीजन है ये बार का वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है, इस बार वुमेन अपना पावर यू हैव टू वॉच द शो फॉर दैट।
cannot review it right now, but if you see this, this season will be a very new age season. The story I'm talking about, the characters I'm talking about. जब पहला सीजन आया था तब शायद सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, शायद था ही नहीं था, लेकिन अब डिजिटल वर्ल्ड, सोशल मीडिया वर्ल्ड, तो आई थिंक हमने अपनी स्टोरी लाइन भी उसी हिसाब से जाना चाहूँगी। खेल वही कहानी नहीं, लेकिन इस सिंहासन पर होगी किसी खलनायक की जगह, तो ये कह सकते हैं क्योंकि आपके लिए यू नो प्यार आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब प्यार का मतलब कंट्रोल है, सो दैट मीन विराज के ऊपर आप भारी पड़ने वाले हैं इसी सीजन में। मैं अभी तक विराज के साथ, विराज के ऊपर भारी पड़ने वाला नहीं हूँ, पता मुझे नहीं पता, लेकिन माई कैरेक्टर द बेस्ट क्वालिटी अबाउट हिम दैट ही इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। उसे खुद नहीं पता कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेगा, उसे खुद नहीं पता कि वो अगले पल में क्या करेगा, किसके साथ क्या साथ। जस्ट बिलीव, उसका अपना एक समाज है ना, कि वो बिलीव करता है कि ही इज अ थिंग एंड जो उसके आसपास के लोग हैं वो परफेक्ट है, आस पास में परफेक्शन होना चाहिए। अमन जी, आपसे ज़्यादा स्माइल के पीछे एक बहुत बड़ी चीज है, ये जानना चाहेंगे कि क्या आपकी तरफ से होने वाला है? मेरी स्माइल के पीछे वो उनकी स्माइल के पीछे, लेकिन आप पोस्टर में देख सकते हैं मैं बिल्कुल स्माइल नहीं कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ। यस, लेकिन सिया बहुत लविंग है, सो ऑफकोर्स जैसा भी यू नो राघव मुझे प्यार कर रहा है, मैं उसमें हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढूंगी कि कुछ भी हो एटलीस्ट मुझसे प्यार तो करता है ना। तो आई थिंक सो आजकल की जो लेडीज़ हैं, आजकल की नहीं एक्चुअली इंडिया में जितनी भी लेडीज़ हैं, वो इस कैरेक्टर से बहुत रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज यू नो समटाइम्स वुमेन सेक्रीफाइस एवरीथिंग जस्ट बिकॉज दे बिलीव दैट दैट हस्बैंड इज़ लविंग हर, सो यू नो वो हर चीज़ भूलने लगती है कि चल छट टाइप्स, बट इन दिस शो दिल यू नो रिकलेक्ट ऑल द थिंग्स दैट दिस इज़ नॉट हैपनिंग, दिस इज़ रॉन्ग। I think so, that's the point. Season 1 की बात करें तो बहुत obsessive विराज था, नो आइडिया वो तो विराज कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर कैसा होगा, जैसा आप भी कह रहे हैं वैसा होगा, लेकिन क्योंकि मैंने शायद उनके कैरेक्टर के बारे में इतना पढ़ा नहीं है, मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बता सकता हूँ कि यस ऑब्सेसिव, इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल एज से एंड अगेन इज अ क्या कुछ नया देखने सब कुछ मैंने अभी आपको कहा, इट्स अ वेरी न्यू एज स्टोरी, न्यू एज कैरेक्टर, यू नो आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आज डिजिटल इतना एक्टिव है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा भी इनको बस डिस्कस करना है। मुझे काइंड ऑफ मैनिफेस्टेड डिजाइन मैं हमेशा करना चाहता हूँ, बहुत सही मोटिव है, तो इससे बड़ा जीश है क्या, पिंक होगा, पिंक होगा मेरे जैसा, नहीं हमारे शो में कोई नेगेटिव है ही नहीं एक्चुअली, नॉट इवन ग्रे, हम लोग ये भी नहीं बोल रहे हैं कि नेगेटिव या ग्रे, उनका प्यार करने का तरीका अलग है, मेरा प्यार करने का तरीका अलग है, उनके अकॉर्डिंग ही इज राइट, मेरे अकॉर्डिंग आई एम राइट, सो देयर इज नो नेगेटिव पर्सन इन आवर शो। सीजन टू की जब आ रही आई थी, यू नो लोगों ने जो प्रोमो देखा, वो झलक एक देखी, टीजर देखा, तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, कितना प्रेशर आप लोगों में है वो बेंचमार्क सेट करता है। देयर इज नो प्रेशर, आई फील एज एन एक्टर, मैं अपना काम मूवी से निभाता हूं, करते हम सब, आई मीन द होल टीम इज वर्किंग पाकिस्तान वाला टीम, इट्स जस्ट कीप दिस नो प्रेशर, इट्स जस्ट अ चैलेंज टू मेक गुड कंटेंट, यू नो एक अच्छा कंटेंट जो ऑडियंस एक्सेप्ट करे। थैंक यू गाइस, खाना खा के जाइएगा, और टेलीकास्ट देख के जाइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय, थैंक यू, वेलकम।